नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो हम पहुंच गए हैं इंडिया गेट, इसे बलिदान का प्रतीक भी बोला जाता है। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं, अगर आप यहां पर आते हैं तो आपको ज़रूर यहां की हवा में देशभक्ति से फील होगी। एटलीस्ट जब भी मैं यहां पर आता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं एक अपने आप को देशभक्त मानता हूँ और मैं एक हमेशा इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स से कनेक्टेड हूँ। इसे बलिदान का प्रतीक इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और भी जितने वॉर हुए थे उसमें 84,000 सैनिकों ने अपना जीवन खोया था, और इस मेमोरियल पे 13,500 के आसपास सैनिकों का नाम अंकित किया हुआ है। तो ये उनको समर्पित किया हुआ है, ये उनके याद में बनाया हुआ है। तो पहले अमर ज्योति थी जो 2400 घंटा जलते रहती थी, वो एक बलिदान का ज्योति थी, वो इसके बीच में रहता था कहीं पे, बट अभी उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है जहाँ पे जो बलिदानियों और सैनिकों का नाम और भी अच्छे से टोन किया हुआ है, जहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। और कैन यू बिलीव, ये 13,500 करोड़ की प्रोजेक्ट है। ये इंडिया का ऐसा बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है जिसे पीएम मोदी ने स्टार्ट किया था। तो ये अंडरपास भी सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट है, और ये अंडरपास क्रॉस करके हम इंडिया गेट को जाएंगे। ये जो आप अभी देख रहे हैं वो सेंट्रल विस्टा का कंप्लीट व्यू है। ये कॉरिडोर में एज अ पेंटिंग टंगी हुई है। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जो रास्ता आपको दिख रहा है जाता है, उस पूरे इलाके को सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है। ये इलाका इंडिया गेट से स्टार्ट होकर राष्ट्रपति भवन तक जाती है, और इसमें आपको संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, इंडिया गेट और आर्काइव ऑफ इंडिया सहित आपको मिलेंगे। ये अभी हम अंडरग्राउंड टनल से निकल के सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर की तरफ आ रहे हैं इंडिया गेट की तरफ, और ये जो है सेंट्रल विस्टा का जो हमने एरियल व्यू देखा था वो सीधे रास्ता राष्ट्रपति भवन तक जाती है। नहीं, हम दिसंबर के महीने में इंडिया गेट घूमने गए थे, जो कि कड़ाके की ठंड थी उस समय, और काफ़ी फॉग भी था। आपको पता ही है दिल्ली में कितनी पोल्यूशन होती है, फॉग और पोल्यूशन मिलके स्मॉग हो जाता है और विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। इसके वजह से वीडियोस थोड़ा धुंधली भी आई है, बट फिर भी हमने पूरे इंडिया गेट को कैप्चर किया है इस धुंध में भी। इंडिया गेट एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जहाँ पे पूरे देश भर से, इवन देश के बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं इसको एक झलक लेने, क्योंकि ये 100 साल से भी पुराना आर्किटेक्चर है जिसे अंग्रेज़ों ने बनाया था। इसकी काफ़ी रिच हिस्ट्री रही है जो मैं आपको आगे चलते हुए बताऊँगा। ये मॉन्यूमेंट भारत के आज़ादी के बहुत पहले बना हुआ था, और ये ब्रिटिश भारत के सैनिकों के लिए समर्पित है, जो कि जब इंडियंस ब्रिटिश के लिए वर्ल्ड वॉर में लड़ते थे उसके बाद जो मारे जाते थे उनको एज ए ट्रिब्यूट के लिए इस इंडिया गेट को बनाया गया था। और ये 1914 और 1919 के बीच लड़े गए युद्ध में जो भी ब्रिटिश इंडियन सैनिक मारे गए थे उनको समर्पित है। और अक्सर आप बॉलीवुड मूवीज़ या फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ में इस मॉन्यूमेंट को हमेशा देखते होंगे। अगर आप इंडिया गेट के टॉप पर ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, टू द डेड ऑफ द इंडियन आर्मीज हु फेल ऑनर्ड इन फ्रांस एंड फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया एंड पर्सिया, ईस्ट अफ्रीका, गैलोपली एंड एल्सवेयर इन द नियर एंड फार ईस्ट एंड इन सेक्रेट मेमोरी, ऑल्सो ऑफ दोज हुज नेम्स आर रिकॉर्डेड एंड हु फेल इन इंडिया और द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड ड्यूरिंग द थर्ड अफगान वॉर। सो ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडियन आर्मी के जितने भी सैनिक फ्रांस या फिर अदर कंट्रीज़ में युद्ध करते मारे गए ये उनको समर्पित है। मैं आपको इंडिया गेट के एक नज़दीकी झलक दिखाऊंगा कि इसकी आर्किटेक्चर कितनी बढ़िया है, और ये आप देखते रह जाएंगे अगर आप इसको ध्यान से देखें। अगर आप सही में आपको इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी आपको थोड़ा अम्यूज़ करती है तो फिर आपको ये मॉन्यूमेंट आना ही चाहिए देखने। अब जो सामने इंडिया गेट के नीचे देख रहे हैं, पहले अमर ज्योति वहाँ पे हुआ करता था, बट अभी उन्होंने वीर समर स्मारक में शिफ्ट कर दिया है। हालांकि अमर ज्योति पहले से वहाँ पे नहीं थी, जब इंडिया ने अपना आज़ादी पाया तो उसके बाद अमर ज्योति को इंडिया गेट के नीचे रखा गया उन बलिदानों को ट्रिब्यूट देने के लिए। अब मैं आपको इस आर्किटेक्चर का, इस मॉन्यूमेंट का एक क्लोज़र व्यू दिखाऊंगा,
सो दैट कि आपको पता चले कि ये एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, कैसे आर्किटेक्ट किया हुआ है। ये मोनूमेंट बलुआ पत्थर से बना हुआ है, इसलिए इसका थोड़ा रेडिश कलर आता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में बहुत सारे पार्क बनाए गए हैं, जिसमें आप बहुत सारे आर्टिफिशियल लेक देख सकते हैं जो कि देखने में काफ़ी आकर्षक लगते हैं। अभी हम इंडिया गेट से आगे बढ़ चुके हैं और नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद आपको एक स्टैचू मिलेगा जो कि सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू है, जिनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनके स्टैचू को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ऐसा आपको लगेगा कि ये शहीदों को सलामी दे रहे हैं इंडिया गेट पर। रास्ते में आपको परम योद्धा स्थल मिलेगा, जहाँ पर उन सभी वीरों का आपको स्टैचूज और डेडिकेटेड प्लेस मिलेगा जो उन्होंने वॉर में अपना जान गंवाया था। ऐसा माना जाता है कि भारत के आज़ादी के वॉर में जितना रोल महात्मा गांधी का था, उतना ही रोल सुभाष चंद्र बोस का भी था। अभी हम नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं और गवर्नमेंट ने एक ऐसा एक पैनल लगाया है जहाँ पर आप शहीदों को ट्रिब्यूट दे सकते हैं। ट्रिब्यूट देने के लिए आपको अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर और फ़ोन नंबर पे फिर एक ओटीपी आता है, जैसे ही आप डालेंगे तो आपको एक पैनल दिखाएगा पेइंग ट्रिब्यूट टू ऑल, और आपको नेशनल वॉर मेमोरियल का जो अमर ज्योति है उसका एक फ़ोटो दिखाएगा। सेम ट्रिब्यूट मैंने भी दिया। नेशनल वॉर मेमोरियल के जो भी कंपाउंड है वो ऐसा ब्रॉड व्यू है, उसका एंट्रेंस इतना ग्रैंड बनाया हुआ है और चारों तरफ आपको ग्रीनरी फुल ऑफ फ्लावर्स दिखेंगे, और ऐसा एक राउंड टाइप का अरेंजमेंट और चारों तरफ वाटरफॉल दिखेंगे आपको। और ये नेशनल वॉर मेमोरियल का पहला झलक, जो कि एक अशोका स्तंभ के जैसा दिखता है जिसके अंदर अमर ज्योति रखी हुई है, ये देख के आपको डेफिनेटली कुछ बम्स मिलने वाले हैं, क्योंकि हमें ज़रूर मिला। मैं जब भी जाता हूँ इस पर, मैं कितने बार कितने ज़्यादा देर तक देखूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नज़रें ना हटाऊँ, ऐसा लगता है कि कुछ एनर्जी मेरे बॉडी में आ रही है, कुछ ऊर्जा का संचालन हो रहा है और मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ उन शहीदों से। आप देख सकते हैं अमर ज्योति के चारों तरफ का कंपाउंड एक सर्कुलर वे में बनाया हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत बढ़िया ही आर्किटेक्चर का नमूना है। हम धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर रहे हैं, अभी हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं, और आप देखेंगे कि एक सैनिक लगातार अमर ज्योति को देख रहा है, और ये इनका सैनिकों का शिफ्ट में होता है, वो रेगुलर शिफ्ट चेंज करते हैं। और ये जो आपको नीचे उतरने के बाद फोरम पर जो जितने भी इम्पॉर्टेंट वॉर्स हुए थे पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, उनका सारा विवरण आपको मिलेगा। लाइक ये बैटल ऑफ लॉन्जे वाला है,
जहाँ पे इसका कुछ झाकिया, वहाँ पे युद्ध कैसे हुआ था और उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। इसके आगे जाने के बाद बैटल ऑफ गंगा सागर है, इसके बारे में भी कहाँ पर हुआ था, कैसे हुआ था, किन किन योद्धाओं ने वीरगति को प्राप्त किया था, वो भी मेंशन्ड है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं बैटल ऑफ तेथवल है, यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस पे लड़ाइयाँ हुई थी उसके बारे में विवरण है। और ये इसके सामने से व्यू है जहाँ पे आप अमर ज्योति और इंडिया गेट साथ में देख सकते हैं। और ये सत्यमेव जयते जयते का एम्ब्लेम है जो आप देख सकते हैं एक वॉल पे चिन्हित है। एक एक करके जितने भी प्रोमिनेंट वॉर्स हुए थे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, आपको सारे युद्ध का विवरण यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको जितने भी प्रोमिनेंट योद्धाएँ थे यहाँ पर जिन्होंने वीरगति को प्राप्त किया है, लाइक विक्रम बत्रा, सबका विवरण मिलेगा। इवन जो नवल सैनिक है, जो इंडियन नेवी है, उनके भी कुछ वॉर्स के विवरण हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कैसे एक सैनिक का रेगुलर अमर ज्योति को देख रहा है। अभी हम धीरे धीरे ऊपर आ चुके हैं, अभी जो हम देखने वाले हैं आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, क्योंकि जितने भी आप सर्कुलर पैटर्न देख रहे हैं ये प्लेट्स हैं जिन पे उन शहीदों का नाम मेंशन्ड है जो अभी तक इंडिया के लिए लड़ते हुए मारे गए। अभी तक के जितने भी युद्ध इधर पाकिस्तान, इधर चाइना के साथ, इधर अफगानिस्तान के साथ और भी जितने युद्ध हुए हैं, वॉर हुए हैं, उनके साथ जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके सारे नंबर प्लेट्स मिलेंगे आपको, सो दैट कि उनको कोई भुलाए नहीं। और ये एक पहल है गवर्नमेंट के द्वारा, सो दैट कि जिन्होंने अपना जान गंवाया है वो ताउम्र जनरेशन बाय जनरेशन यहाँ पर आके देख सके और प्रेरणा ले सके। जो भी इन शहीदों के सगी संबंधी है वो लोग आते हैं यहाँ पर, श्रद्धांजलि देते हैं, फुल अर्पित करते हैं, आप भी फुल अर्पित कर सकते हैं। और यहाँ पर नेम प्लेट्स भी लगे हुए हैं, यहाँ पर बोर्ड भी लगे हुए हैं, कौन से युद्ध में कितने सैनिक मारे गए थे उनके नेम प्लेट्स लगे हुए हैं ईयर के साथ, जिन ईयर में वो लोग शहीद हुए थे। आप देख सकते हैं ये रेड कलर का प्लेट और उस पे येलो कलर का उन पे नाम चिन्हित है। ये जगह अपने आप में इतना पवित्र है, इतना पावन है कि आपको रम जाओगे, आपको यहाँ से निकलने का मन नहीं करेगा। हम आगे जाने के बाद यहाँ पे एक स्मारिका था जहाँ पे आप सुवेनियर कलेक्ट कर सकते हैं। हमने बहुत सारे सुवेनियर यहाँ से कलेक्ट किए, लाइक फ्रिज मैग्नेट, और आप यूनिफॉर्म ले सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं। फिर हम परमवीर चक्र और जो परम योद्धा स्थल था उसके अंदर गए, और आप देख सकते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा का मेंशन है, उनको एक डेडिकेटेड प्लेस बनाया हुआ है। और ये योगेंद्र सिंह यादव और भी जितने प्रोमिनेंट योद्धा थे, एक उनका डेजिग्नेटेड प्लेस दिया हुआ है उनको, सो दैट कि आप उनको एक उनसे कनेक्ट कर। इस वीडियो में इतना ही, हमारे चैनल पे बने रहें, और आपको आगे भविष्य में और भी बहुत बढ़िया वीडियोज आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।